लिस्ट यस आता दिसते सर। मिनिमाइज केल्यावरती दिसत नाही, ब्लॅक होतो. ठीक आहे, आता दिसतंय का? रेझोल्यूशन वाढवलं मी 720 आता, ह्याच्यावरती दिसतंय आता आयकॉन्स, लेटर्स वगैरे दिसतायत सगळे. यस सर। द लास्ट लेक्चर, व्हॉट वी हॅव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन अँड बेसिक इंटरफेस अँड द टूल्स विच वी हॅव स्टडीड इन लास्ट इयर. ठीक आहे, वो सब टूल्स मैंने आपको दिखाए थे. एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट द नोड्स, नोड्स पैनल. ठीक है, नोड्स हम लोग कहाँ कहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और हाउ वी कैन एडिट द नोड्स यूजिंग द चैनल बॉक्स, एट्रीब्यूट एडिटर, द विंडोज, एनिमेशन एडिटर्स, ग्राफ एडिटर, रेंडरिंग एडिटर्स, हाइपर शेड. ओके, वेन यू गो टू द हाइपर शेड यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स, अटैचिंग नोड्स टू ईच अदर. ठीक है, and next we have studied about how to create a project file window or how to manage the projects or project files and how to operate those projects in your system and how to save your projects. Okay, now we will start. What is the next topic in your syllabus? Sir, your screen is not visible. Sir, screen blank हो गया. हाँ, एक मिनट. अभी दिख रहा है? यस सर। ओके, तो इन यूनिट वन वी हैव यूज्ड द हाइपरग्राफ, कनेक्टिंग नोड्स, node editor, hierarchies in outliner. I have shown you the outliner, display options in the outliner, channel box, attribute editor, and working with shader nodes, the hypershade. Okay, in creating in Maya projects. Okay, creating also second topic was 1.2 topic was creating Maya projects. Okay, creating a new project, editing and changing the projects. Next, I will just revise this once again. बस revise करता हूँ मैं. Next. पार्ट स्टार्ट करने से पहले इफ यू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, ओके, व्हेन यू गो टू विंडोज आउटलाइनर, ओके, दिस इज ऑप्शन फॉर द आउटलाइनर. इन दिस आउटलाइनर ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑफ द टेक्सचर्स या फिर ऑल ऑफ द लाइट्स, जितने भी आप लोग एलिमेंट्स यूज करोगे आपके सीन के अंदर, दैट विल बी विजिबल इन दिस आउटलाइनर. ठीक है, यू कैन सिलेक्ट, you can combine, you can add those objects. I will just create some of the objects. Okay, so now you can see the objects that are polygon cube. P is for polygon. Okay, polygon cube, polygon cylinder, polygon cone, and polygonal torus. Okay, now if you select the curves, enter, see,
कर्व भी सिलेक्ट करोगे उसके अंदर कर्व वन करके आएगा, ठीक है। यू कैन रीनेम दिस, डबल क्लिक यू कैन रीनेम दिस, जस्ट इनपुट अ वायर नेम, ठीक है। यहाँ से अगर आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बी चेंज इन एंटायर सीन असेंबली इन चैनल बॉक्स एट्रीब्यूट एडिटर, जहां जहां पे भी उस ऑब्जेक्ट का नाम विजिबल रहेगा, ऑब्जेक्ट के नाम ऑपरेट होगा, वहां पे पूरे चेंजेस हो जाएंगे व्हेन यू चेंज द नेम इन द आउटलाइनर, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर, हाउ यू मैनेज और हाउ यू यूज द आउटलाइनर, ठीक है। ऑल्सो इफ यू नीड टू कंबाइन, इफ यू नीड टू लिंक एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द आउटलाइनर, यू नीड टू क्लिक द मिडिल माउस बटन एंड ड्रैग ऑन द पर्टिकुलर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं करता हूँ टॉरस को लिंक करता हूँ कोन से, ठीक है। जस्ट मिडल माउस बटन से क्लिक करना है आपको, जस्ट क्लिक एंड एड इट टू द पॉलीगोनल कोन। ऑल्सो आई कैन एड दिस पॉलीगोनल कोन टू सिलेंडर, ओके। ऑल्सो आई कैन एड दिस पॉलीगोनल सिलेंडर टू पॉलीगोनल क्यूब, ठीक है। तो अभी इसको ऐसे एक लिंक क्रिएट होगा, पॉलीगोनल क्यूब टू पॉलीगोनल सिलेंडर, ठीक है। ऐसे पूरा एक लिंक क्रिएट होगा। यहाँ पे एक प्लस बटन आ गया है, मतलब यू कैन सिलेक्ट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट बाय क्लिकिंग ऑन दिस। इफ आई क्लिक दिस, यहाँ पे इसको अटैच है पॉलीगोनल कोन, इस पे क्लिक करोगे इसको अटैच है पॉलीगोनल टॉरस, ठीक है, एंड पॉलीगोनल क्यूब, ये डायरेक्टली अटैच है पॉलीगोनल सिलेंडर को, ठीक है। ये ऐसे लिंक्स क्रिएट होते हैं, दीज आर नथिंग बट द नोड्स, ओके। दीज आर द नोड्स क्रिएटिंग एंड एडिटिंग नोड्स, इफ यू नीड टू अभी अगर आपको ये वाला ऑब्जेक्ट निकालना रहेगा, सो यू कैन सिंपली क्लिक एंड ड्रैग इट बिलो द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सी ऐसे फिर ये लिंक क्रिएट होगा, सिंगल ऑब्जेक्ट अगर आप क्लिक करोगे ऑल ऑफ द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड, दिस विल मूव स्केल एंड रोटेट, ओके, ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। दिस इज अ पार्ट और दिस इज अ टाइप ऑफ क्रिएटिंग लिंक्स, एंड दिस क्रिएशन ऑफ लिंक्स इज कॉल्ड पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। तो अभी इसके अंदर आप लोग आउटलाइनर से भी ये सेट कर सकते हो, और यू कैन जस्ट सिंपली सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट सेलेक्ट द चाइल्ड ऑब्जेक्ट, देन शिफ्ट सेलेक्ट द पेरेंट ऑब्जेक्ट, देन प्रेस पी, okay, p for parent, I am making this a parent for this child, okay, child shift parent, p press karunga to iska ek link create hoga, see in the outliner also the link is created, same link jaise yahan pe create hua hai by dragging from middle mouse button, same link will be created from the polygon cone to polygon cube, okay. I will select this object, I will move this object, okay. Here with this creating and editing the nodes in outliner. Next, I have also shown you how to create the links or how to edit the nodes in hypergraph. Okay, so वो वाला जो software मैंने आपको पहले सिखाया था, that was in 2018. We have different types of textures, different types of PDA textures भी थे उसके अंदर, ठीक है? उसके अंदर एक environment था वैसे PDA का. In this 2014, आपको जो syllabus में है, that is 2014. So you need to study all of the options included under the 2014 software, okay? In this animation editor, you have the graph editor, the render editor, you have the hypersheet, okay? Then you open the hypersheet. Same window is visible. Okay? These are the materials. If I click on any of the materials, for any of the material, तो डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक ऐसे ऑप्शन आएंगे, सिलेक्ट द फाइल, ऐसे लिंक्स क्रिएट होते हैं, एंड कनेक्शन फॉर दिस लिंक्स आर द नोड्स विच यू कनेक्ट टू दिस type of links you create or links you edit are connected to the selected object, and this is the placement of this texture. See, sir, tumcha awaz aikun aahe aikun aahe aikun aahe
सर आवाज जर होता फक्त थोडासा कमी झाला होता. एक सेकंड हाँ बोलो निकिता मैम का बुक तो ये तो ऐकला आवाज आ रहा है क्या अभी? हो सर. अच्छा अच्छा हाँ हाँ देखा सर. अभी ऐसे मैंने मटेरियल सिलेक्ट किया. यस आई हैव सर. सिलेक्टेड दिस मटेरियल आई विल ऐड नाउ फाइल सेम ऑप्शन सी दिस इज एन हाइपर शेड दिस इज अ एडवांस मोड ऑफ क्रिएटिंग टेक्सचर्स. ठीक है एडवांस मोड इसके अंदर जो फाइल मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे देखो प्लेस 2D टेक्सचर्स इसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे These are the coordinates of your 2D textures. Okay, this is the selected file for your textures, and this is the material. जो एक दूसरे को link है, ठीक है? ये देखो, ये ऐसे link किया हुआ है एक दूसरे को. If you select the material, you will get the material properties in the attribute editor. If you select the file, you will get the file properties in the attribute editor. If you select the place 2D textures or 2D texture coordinates, see x, y, z coordinates, rotation coordinates. coverage coordinates ये सारे coordinates आपको attribute के अंदर दिखेंगे ठीक है now I will select this material I will add file or image okay. see यहाँ पे जो है texture this is a textured file this is a material file this is a texture file and these are the coordinate files ठीक है अभी आप एक पीस को different types से links create कर सकते हो If I delete the link between this, now this will be the simple material, this will be the simple texture, and this will be the simple coordinates. And again, if I press middle mouse button, ठीक है? आपको इतना याद रखना है कि for connecting nodes or creating nodes, you need to click on the selected textures. सर मी रिक्वेस्ट टाकली तेवढी ऍक्सेप्ट करता का प्लीज.
अच्छा झाले का एक्सेप्ट? यस सर। ओके ओके ठीक। ठीक है स्क्रीन विजिबल आहे सगळ्यांना? यस सर। सॉफ्टवेअर स्क्रीन ओके हा ठीक। सो वी वर स्टडिंग अबाउट द नोड्स। अभी आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, नोड नोड्स नीचे नीचे के कवर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। We were studying about the nodes. अब ये nodes कैसे रहेंगे? If you need to create the nodes, you need to link. ठीक है ओके। सो नोड्स आर बेसिकली हाउ टू क्रिएट द नोड्स। अभी हम बहुत सारे डिस्ट्रक्शन आ रहे हैं मुझे। अभी व्हेन यू नीड टू क्रिएट द नोड्स, यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड दैट व्हेन व्हाइल क्रिएटिंग द नोड्स यू जस्ट नीड टू यूज द मिडिल माउस बटन। ठीक है, आपको सिर्फ ड्रैग करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए यूजिंग द node option while by selecting the middle mouse button. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, I will place this 2D texture on the file. ठीक है, 2D texture nodes on the file. I will just middle mouse button click and drag to the selected file. ठीक है, अब यहाँ पे कैसे आएगा? Default, ये सब options है. अब कौन से type के अंदर connection input कैसे रहेगा इसका? तो I will just press default. ठीक है, see this node is created. Now also I will add this texture to this material. ठीक है, इसके ऊपर भी कौन से चाहिए आपको? एम्बियंट कलर चाहिए, कलर इनकैंडिसेंट, रिफ्लेक्टेड, स्पेक्युलर, ट्रांसपेरेंसी, कौन से टाइप का टेक्सचर आपको इसके ऊपर ऐड करना है? और यू हैव टू ऐड अ बम्प मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस है। ये भी सिखाऊंगा मैं आपको जब हम लोग टेक्सचरिंग का स्टार्ट करेंगे टॉपिक। ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड हाउ टू क्रिएट द नोड्स। ठीक है, आई विल सिलेक्ट दिस, सिलेक्ट द मटेरियल एंड आई विल प्रेस अ डिफॉल्ट। Now I have added this texture to this material and this texture is linked to the coordinates. I can change the coordinates of x, y and z. See, repeat one UV, one, two, three. If I make changes in this, offset is one. Hello, sir. Screen disat nahi. Screen disat nahi. Haan. दिसते सर, दिसते ना? नाही दिसते तर माझ्या इकडे तर दिसतंय व्यवस्थित सर, मला तर दिसत नाही। दिसते सर, दिसते सर आम्हाला। आता दिसते, दिसते दिसते आता दिसते दिसते सर, आता दिसते। बरोबर, ठीक है। जस्ट कीप इन माइंड दैट व्हाइल क्रिएटिंग नोड्स यू नीड टू सिलेक्ट द मिडिल माउस बटन एंड यू नीड टू कनेक्ट द टू एलिमेंट्स टू ईच अदर बाय सिलेक्टिंग द मिडिल माउस बटन। ओके, जस्ट कीप दिस इन माइंड व्हाइल एडजस्टिंग द नोड्स बिटवीन द हाइपर शेड, बिटवीन द आउटलाइनर, एट्रीब्यूट एडिटर। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग नोड्स एडजस्ट करोगे उसके अंदर यू नीड टू सिलेक्ट द मिडिल माउस बटन एंड यू टू ड्रैग। ठीक है, मिडिल माउस बटन प्रेस करके ड्रैग करना है और ड्रैग करके दूसरे एलिमेंट पे ले जाकर लीव करना है उसको। ठीक है, मिडिल माउस बटन को, देन इट विल बी कनेक्टेड यूजिंग द डिफॉल्ट ऑप्शंस और योर सिलेक्टेड डिजायर्ड ऑप्शंस। ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ नोड्स। नेक्स्ट वाज हाउ टू
Maya projects. Okay. Next topic was how to create Maya projects. Again, I will repeat. This is a very important thing while creating any of the models or any of the all working on any of the projects. You first need to create a Maya project. ठीक है? अगर आपको projects के ऊपर काम करना है या फिर आपको assignments पे practicals पे कोई भी काम करना है तो first जब भी आपको software चालू करोगे और कोई भी modeling या फिर कोई भी scene चालू करने से पहले you need to create a project file. This is a compulsory thing. तो compulsory आपको याद रखना है. You need to create a project file. Go to project window, select the new project, select the location and accept it. Okay. Go to file, save scene as, it will automatically go to the selected scenes file folder in your project file. Okay. Nodes. Okay. This is a scene file which you have created. This is a project file which you have created and you have saved it in the desired location. So next, when you so next is now starting with the hard surface modeling. Okay, अभी इसके पहले आपको मैं थोड़े बहुत जो प्रीवियस हमने मॉडल्स क्रिएट किए हैं, हाउ वी हैव क्रिएटेड, हाउ वी हैव यूज्ड द टूल्स, कैसे कैसे हमने टूल्स यूज किए, कौन कौन से टूल्स उसके उसके ऊपर अप्लाई किए हैं, वो सब मैं आपको पहले दिखाता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस यूनिट टू. ठीक है, वो सब आपका क्लियर हो गया तो यू कैन स्टार्ट विद द हार्ड सर्फेस मॉडलिंग. एडिंग पॉलीगॉन फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस, उसके ऊपर आपको वर्क करना रहेगा, दैट विल बी क्लियर. ठीक है, नाउ इफ आई क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो हमने रूबिक्स क्यूब भी सीखा था एकदम बेसिक वाला. आई विल सिलेक्ट द पॉलीगॉन क्यूब, देन द पॉलीगॉन क्यूब विच शुड बी 10, दैट शुड बी 10, दैट शुड बी 10. सब डिविजन्स आई विल ऐड 3 सब डिविजन्स, three subdivisions in width, three subdivisions in height, and three subdivisions in depth. Okay. Next, I will use the extrude tool. Okay. Extrude tool use करने के लिए you first need to select the polygon tab. Then उसके अंदर जो edit mesh का option रहेगा, इसके अंदर ये वाला जो option है, keep faces together, ये वाला option आपको off रखना है, so that the faces will not extrude in a combination. ठीक है, keep faces together मतलब उसके जो word है उसके अंदर ही meaning आ गया, keep faces together मतलब एक साथ आपको faces नहीं रखना है, you need to split the faces separately or you need to extrude the faces separately from the selected option. आप सिर्फ extrude के लिए use नहीं कर सकते हो, आप बहुत सारे options है आगे भी, उसके लिए आप लोग को ये keep faces together option का use करना है. ठीक है, I will keep this off, I will right click on the object. ठीक है, कहीं पे भी राइट क्लिक नहीं करना है, यू नीड टू सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, यू नीड टू राइट क्लिक, सी दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट सिलेक्टेड, यू टू राइट क्लिक, क्विक कंप्लीट टूल, सिलेक्ट ऑल टूल, ऐसे ही कुछ आएगा. ठीक है, यू नीड टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, देन यू विल गेट दिस एडिटिंग ऑप्शंस. ठीक है, ऑब्जेक्ट एडिटिंग ऑप्शंस, इन दिस यू नीड टू सिलेक्ट द फेस, सिलेक्ट ऑल ऑफ द फेसेस, अगर आप सिंगल फेस सिलेक्ट करके यहां से एक एक्सट्रूड का ऑप्शन है. ठीक है, इसको यूज करोगे, increase the thickness, offset, divisions. Okay, these type of options are included under extrude option. Now also in this, for creating a Rubik's cube object, you need to select all of the faces. Just confirm that all of the faces are selected. Go to edit mesh, see to this option. Okay, ये वाला option आपको हमेशा check करना है कि ये on है या off है. कभी-कभी क्या होता है, हम लोग कुछ-कुछ complex models को extrude करते रहते हैं, उसके ऊपर work करते रहते हैं start से ही, पूरा object complete होने को आता है और last में आपको जब smooth करते हो तभी पता चलता है कि ये वाला option जो है ये off है. ठीक है, अगर ये off रहेगा तो आप लोग जितने भी time extrude करोगे
उतने टाइम वो सारे फेसेस, वो सारे जो एलिमेंट्स रहेंगे जो भी आपने एक्सक्लूड किया है वो सारे सेपरेटली एक्सक्लूड होंगे, और जब आप स्मूथ प्रेस करोगे तो उसके अंदर आपको ऐसे लाइंस दिखेंगे, उसका मेश पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको ये भी दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। I'll extrude this, I will add the thickness, I will add the offset. ठीक है, अभी ये एक रूबी स्क्यूब ऑब्जेक्ट है इसलिए we have used this option. अगर इसको मुझे मुझे स्मूथ करना है, I press smooth. See. ऐसे कुछ इफेक्ट आपको दिखेगा इफ इट इज नॉट अ रूबिक्स क्यूब। और दूसरा एक ऑप्शन दिखाता हूं मैं आपको, सी इफ आई अभी मुझे पता नहीं है कि एक स्टूड ऑप्शन मैंने देखा है या नहीं, या फिर ऑफ है या ऑन है। I will directly start modeling on this. ठीक है, ऐसे मैं मॉडल कर रहा हूं इसको। अभी यहाँ पे जो है ऑप्शन ऑफ है, I will never check that option. I will directly extrude this. मुझे एक सिंगल एक पार्ट इसका एक्सक्लूड करना है। I will just select this and I will press W and I will extrude this. ठीक है, ऐसे मैंने इसको एक्सक्लूड किया है। नेक्स्ट I will scale this. ऐसे एक लाइन में लाने के लिए मैंने इसको स्केल किया। ठीक है, अभी ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट है मेरे पास, बट इफ आई नीड टू स्मूथ दिस, अगर मैं इसको स्मूथनेस का प्रेस करूंगा 3, सी ये ऐसे कुछ आपका एक्सट्रूड होगा बाय सेपरेट फेसेस। ठीक है, सेपरेट फेसेस से ये ऐसे एक्सट्रूड होगा, ये आपको कभी पता चलेगा जब आप लोग स्मूथ प्रेस करोगे। ठीक है, when you smooth this object you will get to know that there is something wrong with the mesh. ठीक है, फिर extrude करते वक्त हमने कुछ options off रखे थे इसके लिए, ऐसे वो separately extrude हुआ है। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग काम करते करते बहुत आगे चले जाते हैं और लास्ट में जब आपको मालूम पड़ता है कि ऐसे कुछ एरर आ गया है तो वी नीड टू रिफाइन दोस थिंग्स। ठीक है, वो जो सब प्रॉब्लम हुआ है वो सब आपको फिर से रिफाइन करना पड़ता है, या फिर कुछ टाइम तो ऐसे होता है इफ यू हैव यूज्ड ऑल ऑफ योर टाइम और 2 to 3 hours क्रिएटिंग एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट एडमायरिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू सम ऑफ द ऑप्शन मिसमैच। ठीक है, कुछ कुछ ऑप्शंस आपको याद नहीं रहते या फिर आप लोग सिलेक्ट नहीं करते, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो ऑप्शंस आपको फिर बाद में मालूम पड़ता है कि 1-2 घंटे के बाद दैट ऑप्शंस वी हैव यूज्ड दैट आर ऑन और ऑफ, कोई कोई ऑप्शंस ऑन एंड ऑफ नहीं किए, फिर आपको लास्ट में आउटपुट मालूम पड़ता है एंड यू विल उसका आपका पूरा जो टाइम है उतना पूरा वेस्ट हो जाता है फॉर जस्ट अ सिंगल मिस्टेक। ठीक है, तो कीप इन माइंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, आपको ये वाला ऑप्शन याद रखना है ऑफ कीपिंग फेसेस टुगेदर और कीपिंग फेसेस ऑन और ऑफ। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। इन द न्यू वर्जन्स जो आप लोग न्यू वर्जन यूज करोगे उसके अंदर जब आप एक्सट्रूड डायरेक्टली प्रेस करोगे वहां पे आपको ऐसे ऑप्शंस नहीं दिखाई देगा, डायरेक्टली एक्सट्रूड के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो एक्सट्रूड के डायलॉग बॉक्स के अंदर, इफ आई प्रेस एक्सट्रूड, आई प्रेस एक्सट्रूड, देखो ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है इसका जो ओपन होता है विंडो, थिकनेस ऑफसेट डिवीजन, इसके नीचे कीप फेसेस टुगेदर का ऑप्शन रहता है। ठीक है, न्यू वर्जन है उसके नीचे ही कीप फेसेस टुगेदर का ऑप्शन रहता है, यू कैन सी और यू कैन सिलेक्ट दैट ऑप्शन ऑन एंड ऑफ। ठीक है,
ऐसे कुछ एरर्स होते हैं, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ एरर्स. ठीक है. नेक्स्ट, आई नीड टू सेपरेट, आई नीड टू डुप्लीकेट दिस. आई विल जस्ट कंट्रोल डी, आई विल डुप्लीकेट दिस. ठीक है. आई विल अरेंज दिस some manner. ठीक है. ऐसे कोई इसका अरेंजमेंट मैं आपको आई विल शो यू सम ऑफ द अरेंजमेंट्स. रेंडर आउटपुट विल लुक रियलिस्टिक. ठीक है. ऐसे कुछ अरेंजमेंट हम कर सकते हैं ताकि आपका रेंडर आउटपुट वैसा रियलिस्टिक दिखे. ठीक है. यू नीड टू ऐड द सरफेस एंड यू नीड टू रेंडर दिस. ठीक है. वायर फ्रेम विजिबल हो चाहिए रहेगा आपको. नेक्स्ट, और हमने एडिट को कुछ टूल सीखे थे. दैट वर इफ आई नीड टू ऐड एन एज बिटवीन दिस, आई विल गो टू एडिट मेश, इंसर्ट एज टू. ठीक है. यहां से तरह से लूप चालू. Insert H2. ठीक है. It will insert an H loop. ठीक है. Loop कैसे create होता है? In a continuity form. कैसे loop डालेंगे? And where we add these loops, where we need the hard surface. ठीक है. अगर आपको कोई पार्ट या फिर कोई सेक्शन इसका हार्ड सरफेस के अंदर चाहिए रहेगा या फिर एज शार्प चाहिए रहेंगे, देन यू नीड टू ऐड लिमिटेशन फॉर द स्मूथनेस. ठीक है. मतलब हम लोग लिमिटेशन ऐड करते हैं, जब हम लोग स्मूथ करेंगे तब वो लिमिटेशन उसको ऐड होगा या फिर वो एज एज अ लिमिटेशन काम करेगी उसकी स्मूथनेस के लिए. ठीक है. फॉर दैट वी यूज द इंसर्ट एज लूप. कैन ऐड लिमिटेशन टू द स्मूथनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. इफ आई प्रेस 3, यहाँ पे लिमिटेशन ऐड हुआ है. I select this edge, I delete. See, यहाँ पे कुछ difference दिख रहा है आपको. ये वाला limitations के अंदर difference दिख रहा है. ठीक है. और if I just move this edge, ठीक है. यहाँ पे देखो, here you have a smooth part. ये अगर मैं इस edge को यहाँ पे move करूँगा, the part becomes hard and sharp. Part becomes hard and sharp by adjusting the distance between the two edges, the smoothness between the two edges. ठीक है. ऐसे कुछ options थे. Insert edge loop. Next was mirror option. ठीक है. Mirror option भी आपको दिखाया था. That is also a very important option. आप आगे जितने models करने वाले हो, जो भी ऑब्जेक्ट अप्लाई होते हैं मिरर ऑब्जेक्ट्स के मिरर फॉर्म में, फॉर दैट यू नीड टू यूज अ मिरर. नेक्स्ट वाज इफ यू नीड टू चेंज द पिवट पॉइंट. पिवट पॉइंट इज द पॉइंट थ्रू व्हिच द ऑब्जेक्ट मूव स्केल्स एंड रोटेट्स. ठीक है. द पॉइंट थ्रू व्हिच द ऑब्जेक्ट मूव भी होता है, स्केल भी होता है, रोटेट भी होता है. ठीक है. सो इफ यू नीड टू मूव दिस पॉइंट, so you need to press insert. ठीक है. insert एक शॉर्टकट है इसका. आप लोग ये पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली. जैसे insert प्रेस करोगे तो एडिटिंग ऑप्शन ऑफ हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट आई विल गो टू एडिट मेश. सॉरी, आई विल गो टू मेश. आई विल गो टू मेश एंड क्लिक ऑन मिरर ज्योमेट्री. ठीक है. ये कुछ बेसिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑप्शन जो आपको मैक्सिमम टाइम्स यूज करना है आपके मॉडल्स के अंदर. व्हाइल क्रिएटिंग एनी टाइप ऑफ मॉडल्स यू नीड टू यूज दिस ऑप्शंस
मेनी टाइम्स ठीक है बहुत सारे टाइम आपको ऑप्शन यूज करने पड़ेंगे तो तुम्हें ज्योमेट्री सिलेक्ट द प्रॉपर्टीज बॉक्स ठीक है ये वाला जो बॉक्स रहेगा स्क्वायर ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है इसमें ओपन द प्रॉपर्टीज विंडो लाइक दिस नाउ व्हिच एक्सिस यहाँ पे देखना है आपको ठीक है नाउ दिस इज जेड एक्सिस ब्लू कलर का जेड एक्सिस है जेड एक्सिस माइनस या फिर प्लस मेरे को इस साइड में करना है प्लस एंड मर्ज विद ओरिजिनल अप्लाई ठीक है मर्ज विद ओरिजिनल एंड अप्लाई करोगे तो दिस विल कनेक्ट मर्ज ऑल ऑफ दिस वर्टाइसेस विद ईच अदर मतलब वैसे वेल्ड हो जाएगा ज्वाइंट हो जाएगा ये सारे वोल्टेज All of these vertices are joined to each other. Okay, while creating a mirror joint, a mirror geometry. Okay, clear it now, sabko. So, और एक ऑप्शन था यहाँ पे यहाँ पे स्मूथनेस प्रेस करने के बाद एज थोड़ा सा बाहर बाहर निकला सर ऑडियो खूब क्रैक होते हैं ऑडियो क्रैक होते हैं सर हाँ हाँ आता व्यवस्थित आता जास्त क्रैक होते डबल क्रैक होते सर आता येतोय ना सर तुम्ही बोलायला लागले की क्रॅक होत होते बोलायला लागले क्रॅक होत आहे ठीक आहे आतापर्यंत आपण जेवढं शिकलोय व्हॉट ऑल वी हॅव लर्न यू जस्ट नीड टू रिवाइज दीज ऑप्शन ठीक आहे ये सब जो ऑप्शन मैंने आपको सिखाया है ये आपको प्रीवियसली ऑप्शन दिखाए हुए थे जस्ट आई विल टेक अ रिवीजन सो दैट आगे जाने के बाद आपको फिर ये सब ऑप्शंस याद रहे ठीक है तो इफ यू अप्लाई ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस ऑन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट तो यू नीड टू क्रिएट उससे आपका ऑब्जेक्ट एकदम अच्छे से आप लोग क्रिएट कर सकते हो ठीक है यूजिंग दिस टाइप ऑफ मेश ठीक है आपको मेश भी हमेशा क्लियर रखना है और कैसे मेश आपको क्रिएट करना है वो भी दिखाऊंगा फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट अभी इसमें हार्ड सर्फेस मॉडलिंग है ठीक है उसके अंदर आपको मेश कैसे रखना है कहाँ पे कितने एजेस डालने हैं what all type of edges that you need to add how you need to split the edges theek hai kahan pe edge ka requirement hai kahan pe nahi hai final output ke andar object kaisa dikhega if you add maximum edges ya fir minimum edges uske hisab se aapko edges add karne hai aur uske hisab se aapko model create karne hai theek hai so abhi next lecture mein aapko wo bhi dikhaunga main thoda bahut revisions leke dheere dheere hum log is topics ko cover karenge theek hai previous jo bhi options aapko sikhaye wo sare options aapke clear karunga that you will not be forgetting the options if we move forward theek hai clear hai itna theek hai jiske paas abhi pc hai un log practice karo ye sare options on and those who don't have just write down
ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शन में आपको जो बता रहा हूँ वो सारे ऑप्शन लिख लो, और बाद में जब भी आपके पास अवेलेबल होगा पीसी या फिर प्रैक्टिकल जब स्टार्ट होंगे तभी आप लोग तो प्रैक्टिस कर सकते हो. एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? नो सर. ठीक है, आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं. सर हाँ, आप सर लेक्चर का नहीं कहते ठीक है, रेस्ट. एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन. इफ एनीवन हैव एनी डाउट्स दे कैन, आप लोग मैसेज कर सकते हो मुझे. I will try to clear up to my knowledge. Okay. The next lecture आप करेगा जयवंत सर का. You will last. Next lecture TY sir. Multimedia का. सर मैसेज मध्ये संदेश डाउट विचारतोय तुम्ही सांगता ना. सर कधीपासून तो डाउट विचारतोय त्याला आन्सर करा ना सर. कुठलं काय झालं? ते काहीतरी विचारतोय, मेसेज बघा सर. मेसेज? हो सर, मेसेज मध्ये बघा ते चॅट मध्ये विचारले. हाउ टू क्रिएट लेयर्स विथ लाइक वी डू इन फोटोशॉप. अच्छा, माया के अंदर लेयर्स. See, these we have. See, in this you have the display layers, render layers, and animation layers. Okay, in display layers, यहाँ पे options हैं. From this, you can create layer one, like this objects. Right click on the layer and add selected object. Okay, एक layer create हो गया. और I will select this object and I will add this object in layer one. ये वाला जो object है मैं इसको layer two के अंदर add करूँगा. I can also rename this as surface. Save. I think I have shown you this option while creating blueprints. ये blueprints create करते हुए मैंने आपको layers का option दिखाया था. ठीक है, ऐसे आप लोग लेयर सेव कर सकते हैं. तो सरफेस एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट. ओके, यू कैन नाउ ऑन एंड ऑफ द लेयर. ठीक है, ऐसे आप लोग लेयर क्रिएट कर सकते हैं. ठीक आहे, बाकी अजून काय डाऊट्स असतील ते बघा, ते नेक्स्ट लेक्चर मध्ये विचारा मला. थँक्यू सर, बाय सर. ओके ओके, ठीक आहे.